हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। अमीर है सब खैर और खड़ियत से हो गए। मैं भी आपकी दुआओं से खैरियत से ही हूँ। तो आज मेरी छोटी सिस्टर आई हुई है, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो शुरू करते हैं आलू अंडा बनाना। हमने आग चला ली है, हम इसके ऊपर रखते हैं देचकी जिसके अंदर हमने बनाना है सालन। हम इसके अंदर डालेंगे अब घी। हम डालेंगे इसके अंदर प्याज और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरे छोटे छोटे बर्तन हैं, मेरे पास अभी इतने अच्छे बर्तन नहीं हैं। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हम और अच्छे अच्छे बर्तन ले लेंगे। मेरे पास अभी छोटा सा सेट है। मुझे बहुत शौक है रेसिपी बनाने का। मैं छोटे से सेट से शुरू कर रही हूँ, मैं मज़ीद इसे बढ़ाऊँगी जब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। प्याज हल्का सा फ्राई हो चुका है, अब हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च। ये गई अंदर टमाटर और हरी मिर्च, हम इसे अच्छे से हला लेंगे। ये हल्का सा फ्राई हो चुका है, हम इसे ज़्यादा पकाएंगे नहीं क्योंकि हमने आमलेट बनाना है, तो ये इस तरह की लुक में ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा नमक। अब डालेंगे हम अंदर मिर्च। और थोड़ी अब हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी। ये हल्का सा फ्राई हो चुका है, अब हम डालेंगे इसके अंदर नमक। ये गए आलू, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे मिक्स कर लिया है, ये बहुत छोटा है इसीलिए ये अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा, लेकिन मैंने इसे कर लिया है। जब तक ये अच्छे से फ्राई हो जाता है तब तक हम पेड़े करते हैं ताकि रोटियां बनाने में आसानी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा है जिससे पेड़े, इसे मैं एक दफा अच्छे से हरा लेती हूँ ताकि जले ना। बर्तन काफी छोटे हैं इसलिए काफी दिक्कत हो रही है। तीन बन चुके हैं, अब मैं घोट बना रही हूँ। Thank you.
मैंने सारे बिरयानी रेडी कर लिए हैं और साथ ही साथ में हमारा सालन भी रेडी हो चुका है। अब हम डालेंगे इसके अंदर अंडा, ये गया अंदर अंडा, अंडा मैंने डाल दिया है। अब मैं इसे मिक्स करने लगी हूँ। अंडा डालते ही अंडा पक गया है क्योंकि अंडा बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। ये मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए डाल दूंगी। सालेंद्र की बन रेडी हो ही चुका है। हम तब तक जो पेड़े किए थे उसके साथ हम रोटियां बना लेते हैं। सालन रेडी हो चुका है। ये बहुत देखने में यम्मी लग रहा है। हम इसके अंदर डालेंगे जीरा और सूखा धनिया जो कि हमने पीसा हुआ है। हम घी लगा लेंगे। इसके ऊपर डालेंगे रोटी जिसको के हमने बेला था। तब तक करते हैं दूसरी रोटी। ये रोटी रेडी हो चुकी है। अब हम दूसरी रोटी बना लेते हैं। तीन रोटियां बन गई हैं, चौथी रोटी मैंने ऊपर डाली है। तो आज मैंने ज्यादा बनानी है क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर आई हुई है। बोले अच्छी नहीं लगी थी। देखो कितनी प्यारी रोटियां बन रही हैं, छोटी छोटी। ये हमने बना ली हैं। सालन रेडी हो चुका है। हमारी सारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे डालने लगी हूँ एक कोली के अंदर। फिर जो हमारे घर मेहमान आए हैं उनको चेक करवाते हैं। अब इसे करते हैं ट्राई, ये कैसा बना है। ये बहुत यम्मी बना है। अब देते हैं ये मेहमानों को। मेरी रेसिपी को देखें और ये ट्राई करें। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कल हाफिज़।